हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तूफानी पहाड़ी। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो रेस्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जो हमारे लास्ट वीडियो में कंटिन्यूशन में चलेंगे, जिसमें नॉर्दर्न इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स है, फॉलोड बाय द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व की परिभाषा में जाएंगे दोबारा से। तो बायोस्फीयर रिजर्व को हम डिफाइन करेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट्स ऑफ नेचर एंड कल्चरल लैंडस्केप्स। तो वही बात कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एरियाज हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में जहां पे हम किसी भी स्पीशीज को, प्लांट या एनिमल को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एरियाज जो है आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है, और जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको प्रिजर्व एंड कंजर्व करना हमारा इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो हमने देखा कि टोटल इंडिया के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से जो सेंट्रल इंडिया सदर्न इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमने पहले वीडियो में कवर कर लिए। आज जो हम कवर करेंगे दो बायोस्फीयर रिजर्व जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, वेस्टर्न हिमालयस में कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। सेकेंड सेट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसमें मानस, नॉकरेड, डिब्रू, कंचनजंगा एंड डिहंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व हैं। फिर है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जिसमें सुंदरबन एंड सिमलीपाल ऑफ उड़ीसा, ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। टोटल 9 नंबर के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये आप इस मैप में देख सकते हैं जो हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट है, उत्तराखंड का नंदा देवी है, फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है इसमें इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व एक साथ हैं। हम देख सकते हैं कंचनजंगा है, मानस आसाम में है, डिहंग दिबंग अरुणाचल प्रदेश में है, नोकरेक मेघालय, डिब्रू शिकोई अगेन आसाम, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। दो बायोस्फीयर रिजर्व जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जिसको हम बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, सिमलीपाल इज इन उड़ीसा, सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल। तो सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हम देख रहे हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। लोकेशन जो जैसे सवाल आते हैं इसमें एचएएस के अंदर कि लोकेशन उत्तराखंड, किस स्पीशीज को इसमें बचा के रखा जा रहा है, तो हम देखते हैं स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर, इन दो स्पीशीज को यहाँ पे बचा के रखा जाता है। एक लिस्ट है यूनेस्को की जिसमें वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट की लिस्ट है, वो भी लिस्ट हम इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कौन से वो नेचुरल हेरिटेज साइट इंडिया में है जो यूनेस्को के अंडर आते हैं। इस बायोस्फीयर रिजर्व को हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, सन 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व हमने घोषित किया था। ये आप इसमें इसका डायग्राम देख सकते हैं उत्तराखंड में किस पार्ट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मेघालय, वेस्ट गारो हिल्स, गारो खासी जयंते, तीन रेंजेस ऑफ हिल्स हैं मेघालय में, वहां पे सिचुएटेड है। ये आप देख सकते हैं इंडिया के नक्शे में मेघालय कहाँ पे दिखा रखा है, वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड है, यहाँ पे नोकरेक गारो के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। जो मेन स्पीशीज यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी जा रही है रेड पांडा। एक और इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बल फक्रम नेशनल पार्क है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, जो नेशनल पार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मल्टीपल नेशनल पार्क लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसमें जो बायोस्फीयर रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व से इसमें जो डिफरेंस है हम देखते हैं, मैनग्रूव फॉरेस्ट इसमें मिलते हैं। मैनग्रूव फॉरेस्ट समझो वो फॉरेस्ट है जो कि जहां पे थोड़ा सा सेलाइन वाटर है और थोड़ी सी जमीन है वहां पे इस तरह के फॉरेस्ट हैं। इनके कई सारे रूट्स होते हैं मैनग्रूव ट्रीज के, तो इस तरह के जो मैनग्रूव ट्रीज हैं वो सुंदरबन फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं जो मेन स्पीशीज जिसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। ये सुंदरबन ये भी वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट का ही एक पार्ट है। यहाँ आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में, हम देखते हैं कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है यहाँ पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आसाम। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं आसाम में, इस पार्ट में लोकेटेड है। यहीं पे मानस रिवर जो है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है इस बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में से क्रॉस करती है। इसमें हम देखते हैं कि हमने एक एनिमल की पिक्टोग्राफी से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि राइनो है। ये राइनो यहाँ पे प्रिजर्व स्पीशीज है, अदर देन राइनो जो जिन स्पीशीज को यहाँ प्रिजर्व करके रखा जाता है, एलिफेंट है, टाइगर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग, ये सारी स्पीशीज यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी जाती है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज डिब्रू शिकोई बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आसाम।
आप लोकेशन देख सकते हैं असम की, जहां से अरुणाचल प्रदेश में, जहां अरुणाचल प्रदेश के एडजेसेंट एरिया है असम का, ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये लोकेटेड है। इस एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर आप देखोगे कि हिल से सीधा असम प्लेन्स में डिसेंड करती है, वहीं पे ये लोकेटेड है। अब इसमें जो स्पीशीज को बचा के रखा जा रहा है, वुड डक है, वाटर बफेलो, ब्लैक ब्लैक ब्रेस्ट, पैरेट बिल, टाइगर एंड लंगूर, यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, हमने वाटर बफेलो इसमें डिपिक्ट किया हुआ है। अब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो लोहित रिवर है, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र है, वो इस पार्क में से ही होके गुजरती है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज डिहंग दिबंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों ही रिवर के नाम है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं डिहंग एंड दिबंग। इस बायोस्फीयर रिजर्व से ये दोनों रिवर्स क्रॉस करेंगी। यहाँ पे जिन स्पीशीज को बचा के रखा जा रहा है, मिशमी टेकिन एंड मस्क डियर। मिशमी टेकिन जो है आप देख सकते हैं, एक प्रकार की जो है गोट है, जिसको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क सिचुएटेड है, जिसको बोलते हैं मॉलिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हम कवर कर रहे हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा जो कि एक हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया है, सिक्किम में लोकेटेड है ये बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो कंचनजंगा पीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व में ही लोकेटेड है। जिन स्पीशीज को यहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है, स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही कवर्ड है। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हम कवर कर रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोल्ड डेजर्ट का मतलब है वो इलाका जहाँ पे बारिशें नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालयस इन हिमाचल प्रदेश, इसका जो रेन शेडो एरिया बनता है, जो कि लाहौल एंड स्पीति में है, वहां पे रेनफॉल नहीं जाती है, इसलिए वहां पे जो है डेजर्ट लाइक कंडीशन है, कोल्ड डेजर्ट हम उसको बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो स्पीशीज है जिनको प्रिजर्व किया जा रहा है, स्नो लेपर्ड को यहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, लाहौल एंड स्पीति में सिचुएटेड है, वो भी इसी का एक पार्ट है। चंद्रताल, लाहौल एंड स्पीति की इंपॉर्टेंट लेक है चंद्रताल, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इन लाहौल स्पीति, वो भी इसी कोल्ड डेजर्ट का एक पार्ट है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं हिमाचल के मैप में। लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व हम इसमें कवर कर रहे हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ उड़ीसा। ये मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, वहां पे ये बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। यहाँ जिस स्पीशीज को कंजर्व करके रखा जा रहा है, वो है रॉयल बंगाल टाइगर। आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, व्हाइट कलर का जो टाइगर है वो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। अब इस बायोस्फीयर रिजर्व में तीन पार्ट हैं। सिमलीपाल टाइगर सेंचुरी है जहाँ पे टाइगर्स को रखा जाता है, हटगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों ही सेंचुरीज सिमलीपाल के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और समिट्स हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।